नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेंद्रत्रिलोकानी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएफसी गौर से। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की वीडियो को लेके, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2020, मतलब 2020। ये साल गेम चेंजिंग ईयर है। आज मैं एक्साइटेड हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आपका फ्यूचर, मैं देख रहा हूँ आपकी ग्रोथ, मैं देख पा रहा हूं कि तरक्की आपकी कदम चूम रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले आपको भी वो सब दिखाई देगा कि क्या कर रहे हैं इस 2020 में, ऐसा क्या करें कि तरक्की आपके कदम चूमे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। नंबर वन, 2020 मतलब 2020, इस 2020 के लिए क्या तैयारी की है आप लोगों ने, क्या तैयारी की है मेरे भाइयों ने इस 2020 के लिए, ऐसा क्या करना है इस 2020 में कि ये साल आपके जीवन का अभी तक का सबसे बेस्ट ईयर बन जाए। तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो इस वीडियो तक लास्ट तक कोई ना कोई तैयारी बन जाएगी आपकी। सबसे पहले हमारी जितनी वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर कमेंट में आता है, हम बोलते भी हैं, आपको कोई भी तकलीफ है, कुछ पूछना है, समझना है, प्लीज कमेंट कर दीजिए, हमसे कोई भी क्वेश्चन करना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत हमारी हर वीडियो में आता है, आज वो उठाता हूँ मैं। वो क्वेश्चन है कि सर हमको फुटवेयर बिजनेस करना है, हमारा बहुत मन है, हमारा बहुत दिल है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, हम कैसे करें उसको, प्लीज हमारी सहायता करें, हमारी हेल्प करें ताकि हम फुटवेयर बिजनेस को करके और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। उसका आंसर मैं आपको देता हूं साहब कि सबसे पहले आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब आपकी सोच, ये जो सब कुछ चल रहा है ये सब सोच का खेल है। थोड़ी सी सोच को बड़ा करके अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सोच के बाद नाम आता है कैपेसिटी का। हमें अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा एक कदम आगे रिस्क की तरफ लेना पड़ेगा, एक कदम छोटा सा एक सही, एक कदम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां तक आना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आएंगे तभी समझेंगे, समझ में आएगी कि क्या है बिजनेस में, क्या क्या होता है, क्या कौन सी वैरायटी होती है, कौन सी रेंज होती है, बहुत सारी बातें। लेकिन एक कदम उठाना पड़ेगा, छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा अगर जिंदगी में वाकई में कुछ करना है, क्योंकि या फिर पिछले साल की तरह, हर साल की तरह ये साल भी खराब कर दें, या फिर इस साल को ऐसा बना दें कि ये 2020 आज तक का, अभी तक का हम सब का गेम चेंजिंग ईयर बन जाए, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत जुटा के यहां आने का कोशिश करिएगा। दूसरी बात, अगर आप पहला स्टेप उठा चुके हैं, ऑलरेडी आपकी छोटी सी दुकान है, दिमाग लगाइए कि हम और क्या नया कर सकते हैं, अपने लिए मत सोचिए, अपने कस्टमर के लिए सोचिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे खुश हो सके। हमेशा तरक्की तब होती है जब दो चीज होती है, सबसे पहला रिपीट, दूसरा रेफरेंस। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो तरक्की निश्चित है, ग्रोथ निश्चित है। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने कस्टमर के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपकी छोटी दुकान है तो उसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी एक शॉप है उसको वो बहुत अच्छी चल रही है, तो हम क्या दो शॉप कर सकते हैं, दो शॉप है तो क्या तीन शॉप करने की इच्छा है, तीन शॉप है तो क्या होलसेल करने की इच्छा है, बहुत सारी बातें हैं। कुछ नया सोचना है कि हम अपने बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी बिजनेस में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर खासकर फुटवेयर बिजनेस है तो हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच के दायरे को बड़ा करेंगे हम लोग और कुछ नया सोचेंगे कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ,
एक लेडीज है, एक लेडीज मार्केट में निकल रही है, आपकी दुकान से पास से निकल रही है, वो आपकी दुकान देख के अंदर घुस रही है। मैं लेडीज का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज के तारीख में लेडीज और किड्स की बहुत डिमांड है, इसलिए एग्जाम्पल भी लेडीज का ही निकल रहा है। तो एक लेडीज है, आपकी दुकान पे आई है, फुटवेयर शॉप पे आई है, उसे कुछ चाहिए नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, वैसे ही घूमते घूमते आपकी शॉप पे आई है। सबसे पहले ऊपर देखिए कि क्या वेयरिंग की है, जो भी वेयरिंग की है, जो भी कपड़ा पहना है, जैसे सपोज करते हैं पिंक कलर की कोई ड्रेस पहनी है, तो कोशिश कीजिएगा उस लेडीज को पिंक से रिलेटिव फुटवेयर दिखाइएगा, पिंक से रिलेटिव फुटवेयर दिखाइएगा। उम्मीद करता हूं कि उनको वो आइटम बहुत पसंद आएंगे, पहला। दूसरा, अगर साथ में बच्चा है तो उस बच्चे को बिठा के कोई टॉफी चॉकलेट दीजिएगा, और बच्चा एक नॉर्मल सी कोई सैंडल स्लीपर पहन के आता है। अगर बच्चे में ऊपर जो वेयरिंग है कपड़ा रेड कलर की शर्ट पहन के आया है, तो बच्चे को भी एक रेड कलर का शू दिखाएगा, क्योंकि आजकल आजकल मैचिंग का बहुत दौर है। जो ड्रेस ऊपर पहना है उसके मैचिंग के फुटवेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, ये छोटी टिप्स आपने समझ ली, मान ली, तो आपकी रिटेल की शॉप की ग्रोथ निश्चित है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे हमारे फोन्स मेल्स आते हैं उसमें है कि सर हमको क्या करना है, पहले रिटेल से स्टार्ट करूं या होलसेल करूं। बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं रिटेल से स्टार्ट करूं या होलसेल से करूं, मेरा मन होलसेल की तरफ है। तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि रिटेल और होलसेल में क्या फ़र्क है। रिटेल के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, होलसेल के अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन रिटेल काम का मतलब हो गया, रिटेल फुटवेयर काम का मतलब हो गया कि एक टू व्हीलर, हमें शुरुआत पहले टू व्हीलर से करनी चाहिए, फिर हमको आना चाहिए फोर व्हीलर में। होलसेल का तो मतलब हो गया फोर व्हीलर। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका कौन सा सिटी है, गांव है, कस्बा है, कौन सा एरिया है, कहां से स्टार्ट करना है आपको, वहां की आपको टेस्ट समझना है। सबसे पहले टेस्ट समझना है। हमारा मानना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम फुटवेयर करते हैं तो रिटेल काम से करना चाहिए, क्योंकि रिटेल काम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस एरिया में क्या बिकता है, किस चीज की डिमांड है, रिक्वायरमेंट क्या है, कलर मैचिंग क्या है, डिजाइन क्या है, थीम क्या है, क्या बिक रहा है, उसके हिसाब से जब हमारा टू व्हीलर मतलब रिटेल काउंटर सेट हो जाएगा तो हम फिर मूव कर सकते हैं होलसेल की तरफ, मतलब फोर व्हीलर की तरफ। उसको फिर हम अच्छा रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, फिर हम और सब जगह उस आसपास के एरिया में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माल को बेच सकते हैं। होलसेल में क्या बिकता है वो हम सब बताएंगे आपको, क्या बिकता है, कैसे बिकता है वो हम सब बताएंगे। लेकिन हमारा मानना है अगर आप नए हैं फुटवेयर बिजनेस में नए हैं, तो शुरुआत पहले आप रिटेल काउंटर से करें, उसके कुछ टाइम के बाद आप होलसेल की तरफ मूव कर सकते हैं। रिटेल तो रहेगा रहेगा, होलसेल को भी ऐड कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कुछ ना कुछ नई नई वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए, अपने व्यूअर्स, अपने कस्टमर्स के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल टीएफसी की ओर से, परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हम दुआएं करते हैं कि आपका नया साल बहुत खुशियों के साथ बीते, खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ें और अपने बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।